अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लर टू, शार्पन टू एंड स्माइट टू। ठीक है, ब्लर सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लर नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को ब्लर करेगा। ठीक है, मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आजकल ट्रेंड भी चला रहा है कि जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होता है ना, वो ब्लर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, इसके लिए DSLR भी है। ठीक है, DSLR से जो पिक्चर बनाते हैं उसका बैकग्राउंड ब्लर होता है। और कुछ ऐप्स भी हैं मोबाइल में, जैसे कि B612 है, उसमें ये ऑप्शन आ गई है ब्लर वाली। लेकिन मैं आपको एडोब फोटोशॉप में बताता हूँ कि इसमें बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा, क्विक सिलेक्शन बोलते हैं। इस लेयर को अनलॉक किया, इसकी मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, इसको साइज में बढ़ा देता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन में आपको पहले समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से ये बाहर सिलेक्शन होगी। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से अंदर कर रहे हैं आप सिलेक्शन। टीवी यहाँ से अंदर कर लें। जूम करके यहाँ से हम सेटिंग कर लेते हैं इसकी। ऑल्ट प्रेस करके क्विक सिलेक्शन, ऑल्ट प्रेस करके साइज में इसको छोटा कर देते हैं। तकरीबन हो गई है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं छेड़ता। यहाँ से अंदर करूँ सिलेक्शन, ये पिक्चर हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से आएगा फीचर, इसको 0.5 ओके कर दें और इसकी कर लें कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक हो गया, अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं।
ऑल्ट प्रेस कंट्रोल प्रेस करके ना यहाँ पे क्लिक करें, ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। इस बैकग्राउंड पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, इस पिक्चर के अलावा बाकी बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गए। अब हम ब्लर वाला टूल यूज़ करते हैं, यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ 100 कर दें और इसका साइज़ यहाँ से अब बढ़ा दें, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे ये ब्लर होता रहेगा, ठीक है। साइज में और बड़ा कर देता हूँ, मेरा सिस्टम स्लो है वह। ये ब्लर कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सिस्टम स्लो है इस वजह से थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये टूल आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है, इससे आपका ब्लर हो जाएगा। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ ब्लर करने का, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, आगे यूज़ होगा उसका, ठीक है। आपने जाना है यहाँ पे फिल्टर में, साइज में छोटा कर लें, यहाँ से फिल्टर में जाना है, यहाँ पे ब्लर की ऑप्शन है, ब्लर का फिल्टर है, यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, ये वाला इस्तेमाल करना जितना रखना चाहते हैं ब्लर, ठीक है, ये ओके कर दें और कंट्रोल डी कर दें। अब मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ कंट्रोल ई से, इसको ऑन करते हैं, पहले पिक्चर ऐसी थी, ब्लर के बाद ऐसी हो गई, ठीक है, DSLR वाला इफेक्ट आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये टूल, मैं आपको यूज़ करके देता हूँ पिक्चर पे, ये ब्लर वाला मैंने टूल लिया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ब्लर हो रही है, तो पूरा फेस ब्लर हो गया, ठीक है। इस टूल के साथ आप ब्लर कर सकते हैं किसी पिक्चर को, ठीक है, जिसको शो नहीं करवाना चाहते उसको ब्लर कर दें, ठीक है, क्लियर इसमें शो नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है शार्पन टूल, ठीक है, ये जो पिक्चर के पिक्सल है ना इसके एजेस ये शार्प कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करूँ, इसकी स्ट्रेंथ 100 करता हूँ, देखिए जो भी पिक्सल होंगे ना
इसकी एजेस शार्प कर देगा। ये देखिए बग पिक्सल शो होना शुरू हो गया। इसका इतना यूज़ को नहीं होता, किसी पिक्चर को ऊपर से चेंज करना हो, ठीक है, सही क्लियर ना दिखानी हो तो उसको इसके ज़रिए कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्मज टूल, ठीक है। ये देखिए फिंगर बनी हुई है, इससे पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को दबाता है, ठीक है, दबाने के लिए यूज़ होता है। स्मज टूल ले लिया, ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये किसी मोटी चीज़ को पतला करने के लिए होता है, ठीक है, जैसे अब इसकी चीक्स यहाँ से बाहर है ना, मैं इस स्मज टूल के ज़रिए इसको थोड़ा सा अंदर करता हूँ। ठीक है, हेयर अंदर करने हैं कहीं से, ठीक है, ये देखें यहाँ से, ठीक है, आंख बड़ी करनी है थोड़ी, ये देखें सिर्फ करके नीचे मैंने कर दी, छोटी करनी है इसको, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये पिक्चर की शेप चेंज कर देता है, ठीक है, ये किसी पिक्चर को फनी बनाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके ज़रिए आप किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं, फिर उसकी पिक्चर को फनी बना के, ठीक है। शेप लेके उसके अंदर इसको एडजस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल जे किया, ठीक है, ये पिक्चर इसके ऊपर है, ऑल्ट प्रेस करके इसको ऊपर क्लिक करूँगा, ये बॉक्स के अंदर चली जाएगी। इसी शेप में भी आप रख सकते हैं, मैं साथ लिख देता हूँ DSLR इफेक्ट।